तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल के सैमसंग गैलेक्सी के पांच ऐसे हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं पांच ऐसे काम के यूजफुल फीचर बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके सैमसंग गैलेक्सी में आपको मिलते हैं और आपको शायद पता भी नहीं होगा। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि रहता है, मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही कमाल के पांच फीचर्स बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही यूजफुल है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फीचर दिया गया है वो है लॉक को लेके। अगर आपको अपनी मोबाइल में, अगर मान लो आपको कुछ ऐसा कुछ स्टोर करना है या कुछ आपके कुछ मैसेज है या कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जिनको आपको सेव करना है और उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है ताकि कोई भी उसको अननोन खोल ना पाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी में, जो कि आपको प्री इंस्टॉल ऐप मिलती है जिसका नाम है सैमसंग नोट्स। आपको सैमसंग नोट्स ऐप में चले जाना है। नोट्स ऐप में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो भी कुछ भी अपना इंपॉर्टेंट है, चाहे क्रेडिट कार्ड का डेटा हो या कुछ अपना कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हो, अपना कुछ इंपॉर्टेंट हिसाब होता है कि आदमी कुछ हिसाब भी कर रहा हो, उसको यहाँ पर ऐड ऑन कर लिया, या कुछ इंपॉर्टेंट हिडन फोटोज़ भी हो, मान लो कोई फोटोज़ भी हैं अपने पास तो कुछ हिडन फोटो भी हों या कुछ हिडन स्क्रीनशॉट्स हों, जो भी हों आपने यहाँ पर डालना है। डालने के बाद उसको सेव कर देना है और आप इसको आप लॉक कर सकते हैं ताकि कोई भी इजीली उसको पढ़ ना पाए। तो उसको बैक आना है, आपको यहाँ से उसको बैक करना है। बैक करने के बाद ये दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करके उसको कर देना है लॉक। अब वो हो चुका है आपका लॉक डेटा और जब भी आप उसको देखना हो तो आप उसको क्लिक करेंगे तो अपना फिंगरप्रिंट या जो भी आपका पासवर्ड है वो डालेंगे तो ही आप उसको एक्सेस कर पाएंगे, नहीं तो वो आपका डेटा वहाँ पर बिल्कुल ही प्राइवेट और सेव रहने वाला है। तो सबसे पहला हिडन फीचर यही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मुझे ये वाला रियल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। उसके बाद बात करें सेकंड हिडन फीचर की, वो है पीडीएफ को लेके। दोस्तों आज के टाइम पे हर बंदे को डेटा चाहिए, या बोल सकते हैं हर महीने बंदे को कोई भी डॉक्यूमेंट को भेजना हो तो हर कोई कहता है भाई इसको पीडीएफ में भेज दो, पीडीएफ में भेज दो। तो उस पीडीएफ को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, या तो हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, हमें कुछ नॉर्मल कुछ हिडन ऐप्स यूज़ करने पड़ते हैं जिसके थ्रू हम उसको पीडीएफ बना सकते हैं। बट आप सिंपली अपनी गैलरी के थ्रू आप किसी भी डेटा को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो आपको चले जाना है गैलरी के अंदर। मान लो मैं आ गया, मेरे पास कुछ फोटोज़ हैं या कुछ ऐसे स्कैन कर रखा है मैंने डॉक्यूमेंट्स, कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या कुछ भी चीज़ है और मुझे किसी को पीडीएफ में शेयर करना है, तो आपने उसको फ़ोटो खींच लेनी है अच्छे से और जिसको पीडीएफ को शेयर करना है आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है सारी फ़ोटोज़ को। फोटोज़ को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको करना है इन सबको फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिसको पीडीएफ भेजना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा सेव एज पीडीएफ, आपको उस पर क्लिक कर देना है और उसको डिफॉल्ट ऑर्डर में करना है कि जैसा भी ऑर्डर है वैसे करना है या रिवर्स ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में भी आपको करना है उस ऑर्डर को आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड देन उसको यहाँ पर प्रोसेसिंग पे डाल देना है। प्रोसेसिंग पे डालते ही वो आपका बन जाएगा और आप चाहें तो उसको यहाँ पर खोल के देख लेंगे तो पूरा आपका वो पीडीएफ बन गया होगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं अलग अलग इमेजेस में वो सब वहाँ पर सेट आउट हो गए होंगे। तो ये बहुत ही काम का फीचर है यार, पीडीएफ आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत यूजफुल ये वाला फीचर है। उसके बाद बात करेंगे थर्ड फीचर की, जो कि बहुत ही शानदार है थर्ड हिडन फीचर, जो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और सैमसंग गैलेक्सी का मैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत पुराना सैमसंग गैलेक्सी का यूज़र हूँ। गैलेक्सी वाई जब यंग आया था ना, जब से मैं गैलेक्सी सैमसंग गैलेक्सी यूज़ कर रहा हूँ एंड्रॉयड का, तो ये फीचर सबसे बेस्ट लगता है। वो फीचर ये है कॉन्टैक्ट के अंदर, मान लो हम मुझे किसी को सर्च करना है और किसी को कॉल लगाना है तो आप लोग क्या करते हो, या तो उसका नंबर टाइप करोगे तो उसको इजीली मिले, या फिर आप सर्च में जाके उस बंदे को ढूंढोगे तो जाके आप उसको कॉल लगा पाओगे। बट मैं यहीं से ही उसको ढूंढ लूँगा, जैसे कि मुझे अपने ऐसे टैग पे कॉल लगाना है तो मैंने दबाया, यहाँ पर आप देखेंगे SATECH, मैंने ऐसे टैग लगाया और वहाँ पर आपको ऐसे टैग दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं कॉल करता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर सनी को कॉल करना है मैं यहाँ सनी लिखूँगा तो ये आप देखेंगे मैंने यहाँ टाइप करा है 786, बट ये सब टाइप हो रहा है। ये कैसे काम करता है, ये काम करता है इन नंबर्स में, जैसे नंबर्स लिख रहे होंगे जो आपको, जो उसके अंदर जो आपको अल्फाबेट्स दिख रहे हैं ना उसके थ्रू ये काम करता है। लाइक मुझे यहाँ पर मम्मी को कॉल करना है तो M दबाया मैंने यहाँ पर 6 पे, U दबाऊँगा 8 पे 6 है यहाँ पर दबाऊँगा, ठीक है, फिर एक बार और दबाऊंगा, फिर वाई दबाऊंगा, जैसे MUMMY, तो ये आप देखेंगे सेम वैसा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है और बहुत शानदार फीचर है यार, ये डेली लाइफ के लिए बहुत यूज़फुल है, तो ये फीचर मेरे को बहुत शानदार पसंद है भाई, थर्ड फीचर ये था। उसके बाद बात करें फोर्थ फीचर की, जो कि है रिमाइंडर ऐप को लेके, जो कि ये भी बहुत यूज़फुल है।
दोस्तों क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी नोटिफिकेशंस आती हैं और कुछ ऐसी नोटिफिकेशंस होती हैं इंपॉर्टेंट्स होती हैं, और जिसको इतनी सारी फालतू की नोटिफिकेशन के चक्कर में वो सब लैप्स हो जाती हैं और सब भूल जाती है और बाद में उसको रीड नहीं कर पाते। तो उसके लिए आप वहाँ पर एक नोटिफिकेशन रिमाइंडर लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा वो आपको जितनी टाइम का भी आप रिमाइंडर लगाएंगे, मान लो मैंने आपको कोई व्हाट्सअप पे मैसेज करा है और मैंने वहाँ पर व्हाट्सअप मैसेज पर रिमाइंडर सेट कर रखा है कि हर 5 मिनट बाद मुझे मैसेज कर, मुझे एक अलर्ट दे दे कि मेरे पास कोई पेंडिंग मैसेजेस पड़े हैं, तो आप वैसा लगा सकते हैं। कैसे, तो उसके लिए आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे। नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स पे, एंड देन आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे एक ऑप्शन मिलेगा रिपीटेड नोटिफिकेशन अलर्ट, ये आपको दिख रहा होगा, आपको इस पर चले जाना है। और जैसा कि यहाँ पर सेट आउट है कि हर 15 मिनट बाद, जैसा कि मैंने यहाँ पर सेट आउट कर रखा है कि हर 15 मिनट बाद मुझे एक अलर्ट दे दे कि मेरे पास इसका मैसेज पेंडिंग पड़ा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप यहाँ पर, मान लो मुझे व्हाट्सएप पे लगाना है, तो मैं नीचे गया, व्हाट्सएप पे गया, ठीक है, और मैंने व्हाट्सएप पे यहाँ पर सेट आउट कर दिया, या जो जो सी ऐप में मुझे चाहिए मैंने इसको सेट आउट कर दिया। अब जब भी मेरे पास व्हाट्सएप का मैसेज आएगा वो मुझे 15 मिनट बाद अलर्ट दे देगा। अगर आप चाहते हैं कि 15 मिनट नहीं, कि थोड़ा और टाइम या और जल्दी अलर्ट दे, तो आप वो भी सेट आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम 15 मिनट है, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक आप उसको रिमाइंडर नोटिफिकेशन लगा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है रिपीटेड अलर्ट फॉर नोटिफिकेशन फ्रॉम द ऐप यू कैन सिलेक्ट बिलो आफ्टर यू डिसमिस अ नोटिफिकेशन द अलर्ट विल नो लॉन्गर रिपीटेड। अगर आपने किसी को डिसमिस कर दिया तो नहीं आएगा, और अगर वो नोटिफिकेशन में पेंडिंग है तो आपको वो शो करता रहेगा। तो ये भी बहुत शानदार यूजफुल फीचर है। अब उसके बाद बात करें सबसे लास्ट फीचर की, जो कि मेरा मस्ट फेवरेट फीचर है, वो है क्लिप बोर्ड। सैमसंग गैलेक्सी में आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लिप बोर्ड, जो कि बहुत शानदार है यार। इसमें आपके जो भी, आपने क्लिप बोर्ड में जो भी इमेजेस या टैग्स किसी का आपने एक बार कॉपी कर लिया तो वो सेव हो जाता है, और बाद में आप उसको ईजिली कभी भी देख सकते हैं। कुछ टाइम बाद वो डिलीट हो जाता है क्योंकि एक मैक्सिमम लिमिट होने के बाद, बट अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसको पिन आउट कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं। जैसा कि मान लो मेरे को ये लगता है कि यार ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसको यहाँ पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद मैंने वहाँ पर उसको पिन पे क्लिक कर दिया। अब जो यहाँ पर पिन में आ गया है ना, वो डिलीट नहीं होने वाले, और उसके पीछे वाले सब डिलीट हो जाएंगे। तो क्लिप बोर्ड बहुत ही शानदार ऑप्शन है, किसी भी चीज़ को आप कॉपी करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, वो ऑटोमेटिक क्लिप बोर्ड में जाएगा, और जिसको आप कहीं भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो यही मैंने कुछ 5 आपको हिडन ऐसे फीचर्स बताए सैमसंग गैलेक्सी के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे रियल में बहुत ज़्यादा पसंद है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले मिले, और मुझे व्हाट्सअप पे भी फॉलो कर लेना, और हो सके इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो कर लेना। थैंक यू।